अररिया लोकसभा सीट पर तीसरे चरण में अररिया के निवर्तमान सांसद प्रदीप कुमार सिंह नामांकन दाखिल किया। नामांकन से जाने से पहले अररिया के शिवपुरी में नामांकन सह संकल्प सभा का आयोजन किया गया। भाजपा प्रत्याशी प्रदीप कुमार सिंह के नामांकन और संकल्प सभा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी पहुंचे। इस दौरान लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर समेत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के कई अन्य नेता ने संकल्प सभा को संबोधित किया। इस दौरान नामांकन और संकल्प सभा में हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता सहित भाजपा समर्थकों की भीड़ जुटी रही। संकल्प सभा को संबोधित करने के बाद भाजपा प्रत्याशी प्रदीप कुमार सिंह ने आए संकल्प सभा में स्थानीय लोगों और भाजपा कार्यकर्ताओं से आशीर्वाद लेकर नामांकन करने समाहरणालय परिसर स्थित पहुंचे। आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, चुनाव में लोग चुनौती तो होता ही है, परंतु मेरे लिए चुनौती इसलिए नहीं है कि हम लोगों ने काम किया है और सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास से देश को आगे बढ़ा है मोदी जी। और हमारे पास नरेंद्र मोदी जी जैसा नेता है जिन्होंने आज पूरी दुनिया में लोकप्रियता प्राप्त किया है, ख्याति प्राप्त किया है, और जो विकास हुआ है सबका साथ सबका विकास, उस मंत्र को लेके हम लोग जनता के बीच जाने वाले हैं। और हम तो रोज जाते हैं, 5 साल करते हैं, इसलिए कोई नहीं है चक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में वाली बात है। फिर चुनाव लड़ना सबका अधिकार है, यह लोकतंत्र है, हर पार्टी को अधिकार है, लेकिन मैं नहीं मानता हूं कि कोई चुनौती है, इसलिए कि जनता वोट देगी और आवाम के बीच हम लोग रहते हैं। अररिया की जनता ने आस्था का दिखाने का काम किया है, यह स्पष्ट संदेश देता है कि बिहार में 40 की 40 सीट भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जीतने का काम करेगा। और कोई गलतफहमी में हम नहीं है, अध्यक्ष जी एकदम, अजय जी एकदम कंफर्म रही है, पहले भी अररिया भाजपा कमल खिला था और जहां जहां कीचड़ फैलेगा वहां वहां तो कमल जरूर खिलेगा, एकदम बेफिक्र रहिए साथियों। इसलिए जिस की किरण लगातार बढ़ाने का काम आज देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, उसी तरह आगे बढ़ते जाना है। और स्पष्ट तौर पर हम लोगों का मानना है, बिहार में किसी भी माफिया को चलने नहीं देना है। ये जो माफिया लोग हैं, कोई शराब माफिया, कोई बालू माफिया और जमीन माफिया है, एकदम अस्वस्थ रहिए, या तो उसको अररिया के जेल में बंद करने का काम करेंगे, नहीं तो उसको बिहार छोड़कर नेपाल भागना पड़ेगा। एक भी बांग्लादेशी को बिहार में भी रहने नहीं देंगे, एकदम स्पष्ट रहिएगा। और पूर्ण रूप से सुशासन की सरकार बनाना है। हमारे मजबूत साथी यहाँ पर प्रदीप सिंह जी हैं, हमारे कई माननीय विधायक खड़े हैं और एकदम आपके अंगरक्षक बनकर, और अभी तो प्रधानमंत्री जी भी आपके यहाँ आने वाले हैं, प्रधानमंत्री जी का भी कार्यक्रम आपके बीच में होना है, एकदम स्पष्ट रहिए, भारतीय जनता पार्टी पूरा एनडीए मिलकर इस बिहार को श्रेष्ठ बनाना है और भारत श्रेष्ठ भी बनाने का काम जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया, इस भारत को आगे ले जाना है। इसलिए सभी साथियों को मैं आपके तरफ से, यदि आप कहें, क्योंकि अभी तो नामांकन करने के लिए प्रदीप सिंह जी जाने वाले हैं, लेकिन आप लोग यदि कहिए तो हम चिराग जी, उपेंद्र जी, रामनाथ ठाकुर जी आपके तरफ से माला पहना दे कि आज ही नॉमिनेशन करें और जनता के बीच में आशीर्वाद लेकर 4 तारीख को, एक एक वोट जब आप 7 तारीख को वोट देंगे, जैसे ही वोट दीजिएगा और 4 तारीख को जैसे ही रिजल्ट आएगा कि प्रदीप सिंह चुनाव जीत गए, वैसे ही समझिएगा मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री हो गए। बता रहा है कि अंजाम कैसा होगा, शुरुआत नहीं। अगर इस तरीके का जन सैलाब देखने को मिल रहा है, एक जन समर्थन देखने को मिल रहा है, तो मैं इस विश्वास से यहाँ से जा रहा हूँ। चुनाव प्रचार में बाद में भी आऊंगा, पर अभी इस विश्वास से जा रहा हूँ कि आप 4 जून को जब यहाँ की मतपेटियां खुलेंगी, जब ईवीएम मशीन खुलेगी, तो पिछली बार से बड़े मार्जिन से
से आप प्रदीप भाई को यहाँ से जिताकर भेजेंगे, ये विश्वास मैं रखता हूँ।